Hi guys, we'll be starting with lesson 2, the types of companies. Now, section 3 of Companies Act, 3 subsection 1, states that there are 3 kinds or classes of companies. A company may be formed by as a public company, as a private company, or as a OPC. 3 classes of companies. So, if I see, a company could either be under section 3 subsection 1. There are 3 classes. One is a OPC, private and public. Ab OPC ka section kaun sa hai? Section 2 subsection 62. Section 2 subsection 62. Iska diya hua hai section 2 subsection 68. और इसका दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 पब्लिक कंपनी. तू मुझे बताओ कि ये जो 1% कंपनी है इसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे. इट विल हैव ओनली 1% एज मेंबर. अब सिंस ये 1% कंपनी एक कंपनी है तो इसका परपेचुअल सक्सेशन होगा, इसकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी. ठीक है ना, यू टेल मी कि अगर ये परपेचुअल सक्सेशन है और एक ही मेंबर है वो मर गया तो कैसे सक्सीड होगा. समझ में आ रहा है? अगर मैं बोल रहा हूं कि एक ही पर्सन उसका मेंबर है और वो एक पर्सन मर गया तो कंपनी कैसे लिव ऑन करेगी, क्या बोल सकते हो तुम? तो इसको क्या करना पड़ेगा, किसी को नॉमिनी बनाना पड़ेगा. सो एवरी मेंबर ऑफ द 1% कंपनी, मतलब वो एक जो मेंबर है उसको एक नॉमिनेट करना पड़ेगा दैट आफ्टर हिज डेथ हु विल रन द कंपनी, दैट विल बी द नॉमिनी. नेक्स्ट इज अ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी में कैन यू टेल मी मिनिमम कितने लोग होते हैं? प्राइवेट कंपनी में देर इज मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200. और ये जो 200 की काउंटिंग कर रहे हैं तब एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करना है. ठीक है, नाउ प्राइवेट और पब्लिक. नेक्स्ट, कैन अ प्राइवेट कंपनी मेक इनविटेशन टू पब्लिक? प्रोहिबिटेड टू मेक इनविटेशन टू पब्लिक. नेक्स्ट, कैन प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो सकता है? कैन यू ट्रांसफर योर शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी? सो आंसर इज येस, यू कैन ट्रांसफर, बट इट इज नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. मतलब क्या कि मुझे ट्रांसफर करना है तो मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा दूसरे मेंबर्स का कि भाई मैं मेरा स्टेक बेचना चाहता हूँ, दूसरे सब लोग उसको अग्री करेंगे तो ही बेच पाऊंगा. तो आर्टिकल्स के हिसाब से मैं रिस्ट्रिक्टेड हो जाऊंगा. और पब्लिक कंपनी, नाउ पब्लिक कंपनी क्या होती है? फर्स्ट, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, नॉट अ प्राइवेट कंपनी. और एक और चीज बोला है, अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, this will be called as a deemed public company. Deemed public company मतलब क्या, एक public company की subsidiary अगर एक private company है तो क्या private company बोल सकती है मेरे तो, मैं तो private हूँ, मैं तो किसी को details नहीं बताऊँगा, financial details नहीं बताऊँगा, ये नहीं. जो भी private company से boss, पब्लिक का पैसा तुम्हारे अंदर लगा हुआ है, पब्लिक ने तुम्हारे शेयर्स बाय किए, तो तुम भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हो? अ डीम्ड पब्लिक कंपनी एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक कंपनी विल अप्लाई. अब ये था अपना 3 सबसेक्शन 1. नाउ सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सेज दीज 3 कंपनीज जो है क्लासेस ऑफ कंपनीज, दे कुड ईदर बी लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी. 3 सबसेक्शन 2, ऑल दीज कंपनीज दे आर लायबिलिटी कुड ईदर बी लिमिटेड और अनलिमिटेड.
कैन यू टेल मी लिमिटेड लायबिलिटी होगा तो उसका फर्दर बाइफर्केशन है लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड में यू कुड बी लिमिटेड बाय शेयर्स और यू कुड बी लिमिटेड बाय गारंटी. ठीक है, मतलब क्या, पहली बात तुम्हें यह पता होगा कि कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है. तो लिमिटेड में इट कुड ईदर बी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स और गारंटी. क्या होता है ये समझते हैं. नॉर्मली कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होती होगी या गारंटी, तुम बताओ. शेयर्स. तो हमेशा ये होता है इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स. इसका मतलब क्या है कि जितना तुमने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है बस उतनी ही लायबिलिटी है तुमको देने के लिए. सो यू आर नॉट लायबल बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स. सो द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स. तो जितना अनपेड है बस उतना ही. तो अगर मैं 2000 के शेयर्स बाई करता हूँ मेरी लायबिलिटी मैक्स 2000 है. ठीक है, अब कभी कभार कंपनीज बन सकती है विथ गारंटी ऑल्सो. कंपनीज लिमिटेड बाई गारंटी वो होती क्या है, जनरली सेक्शन 8 कंपनीज जो रहती है, NGO जो रहते हैं, उसमें क्या रहता है, वो बोलते हैं आप बिजनेस चालू कर लो, अगर वाइंड अप हो रहा होगा तो हम इतनी गारंटी देते हैं कि आपको इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे. मतलब लिमिटेड बाई गारंटी में उसका MOA देखोगे तो MOA के अंदर लिखा रहता है, मेंबर्स लिखते हैं कि वी ईयर बाय सब्सक्राइब दैट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप वी विल पे 50,000. कोई बोल रहा है 1,00,000 देगा, कोई बोल रहा है 2,00,000 देगा. क्या अभी देगा कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तब, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप दे अग्री टू कॉन्ट्रीब्यूट अ सर्टेन अमाउंट. तो इससे होता क्या, ऐसी कंपनीज को लोन मिल सकता है, ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि अगर कभी डूबी तो इतने लोग खड़े हैं गारंटर्स. क्लियर इतना. तो डायरेक्टली पैसा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि भाई अगर डूब जाएगी तो मेरे पास से आके ले लेना. अब मेरे को भी मेरे गारंटी का थोड़ा बहुत बेनिफिट दे दिया जाएगा. सो दिस इज लिमिटेड बाय गारंटी. अब मैं चाहूँ तो अनलिमिटेड कंपनी भी बना सकता हूँ और अपनी खुद की कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता हूँ. अब ये क्यों करूँगा मैं, हो सकता है मेरे को बैंक ने, अब ऑब्वियसली कोई ऐसा ज़्यादातर नहीं करते होंगे, लिमिटेड लायबिलिटी रखते होंगे अनलिमिटेड बाय शेयर्स, बट फिर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी कोई क्यों रखेगा. कभी कभार जो लोन देते हैं ना वो लोग बोलते हैं भाई हमको उल्लू मत बनाओ, लिमिटेड लायबिलिटी रखोगे तो मैं कुछ रिकवरी होगी नहीं. आप अनलिमिटेड कंपनी बनाओ तो हमको बैंक्स के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम रिकवरी कर पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि अगर तुम्हारी कंपनी से पैसा नहीं मिला तो आपके पर्सनल एसेट बेच के ले लेंगे. अब प्रमोटर्स को जिनको पैसे की ज़रूरत है वो लोग लगा देते ये भी अनलिमिटेड कंपनी बना के. क्लियर. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज. अब टाइप्स ऑफ कंपनी में हम लोग ने देखा पहले सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 दैट देर आर 3 काइंड ऑफ कंपनीज, प्राइवेट, पब्लिक एंड OPC. अब ये लोग तीन या तो लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकते हैं या लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी. अब कंपनीज को हम लोग दो पार्ट में जनरली डिवाइड कर सकते हैं, एक है स्टैट्यूटरी कंपनीज और दूसरी है रजिस्टर्ड कंपनीज. पहली बात, अगर मैं रजिस्टर्ड कंपनी बोलूँ मतलब क्या, इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट. सो इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट. तो ज़्यादातर कंपनीज विल बी रजिस्टर्ड कंपनी. हम लोग ने भी अगर एक कंपनी बनाई, काफ़ी सारे क्लाइंट्स के लिए इनकॉर्पोरेट करके देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. वो तो कॉमन सेंस है. एक दूसरा आता है स्टैट्यूटरी कंपनी. तो स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है, इट इज़ मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट उसको बनाता है. तो तुम्हारे BEST हो गई, तुम्हारे कितने RBI हो गया, SEBI हो गए, ये सब जो रहता है इट इज़ मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो अगर पार्लियामेंट बनाते तो उसको बोलते स्टैट्यूटरी कंपनी. LIC हो गई. बाकी के जो हम लोग खुद से बनाते हैं यू एंड मी मेक विल बी कॉल्ड एज रजिस्टर्ड कंपनी. कोई कोई कंपनीज होती है जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज होती है. अनरजिस्टर्ड कंपनीज मतलब क्या, इनको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था बट नहीं किए.
तो दे से दैट इफ देर आर लेट्स से मोर देन 50 पार्टनर्स, ओके 50 से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, तो वील कॉल इट एज अ अनरजिस्टर्ड कंपनी और इनके लोग के ऊपर हम लोग लाइबिलिटी लगा सकते हैं. सो दीज आर नथिंग बट एनी पार्टनरशिप फर्म्स और एनी ऑफ देम वेर देर आर मोर देन 50 पार्टनर्स बट दे हैव नॉट येट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, दो दे आर लाइबल. 50 के ऊपर नहीं कर सकते, वो लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा, वो भी देखेंगे हम लोग. अनएसोसिएटेड बॉडीज बोलते हैं उनको. क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, एक हो सकती है स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड, हम लोग ने देखा था, फिर लिमिटेड लिमिटेशन के बेसिस पे ना अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज. अब ये मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, दो दो मार्क के लिए पूछ सकते हैं वो लोग. व्हाट इज अ सेक्शन 8 कंपनी, क्या बोला था अभी, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? इट इज नथिंग बट अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी. इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन दैट दे हैव गॉट टूगेदर हुज ऑब्जेक्ट्स आर टू प्रमोट सर्टेन चैरिटी, रिलीजन, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस. दे इंटेंड कि जो भी उनके प्रॉफिट्स आएंगे वो लोग ये ऑब्जेक्ट्स में लगा देंगे टू प्रमोट दीज ऑब्जेक्ट्स. एंड प्रॉफिट आया भी तो शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बोल के नहीं बांट सकते, दे कैन नॉट प्रोहिबिट टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड. नेक्स्ट वी आर सीइंग गवर्नमेंट कंपनीज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल कैन यू ऑल अनम्यूट एंड टेल मी सर्टेन काइंड ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज के नाम. ONGC, फिर और कोई, यू नो विच वन, MTNL. अब ये सब होती क्या है, वेयर गवर्नमेंट हैज मेजोरिटी स्टेक. तो गवर्नमेंट के पास में 51% शेयर्स होते हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे गवर्नमेंट की कंपनी. सो गवर्नमेंट इज होल्डिंग मेजॉरिटी स्टेक. अब ये गवर्नमेंट हो सकती है सेंट्रल, स्टेट या दोनों मिल मिल के होल्ड कर रहे हैं. सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट कंपनी, मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट या सेंटर और स्टेट दोनों मिल मिल के. ये 30 और वो 20 और यू नो ये 30% है और बाजू वाले दूसरी गवर्नमेंट के पास में 21% है, तो भी हो जाएगा. देन कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनी के कोई एग्जांपल्स पता है जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुए हैं और इंडिया में कम बिजनेस कर रहे हैं? गूगल, फिर और कोई, एप्पल, ठीक है. अब ऑनलाइन जिसका प्रेजेंस इंडिया में सिर्फ ऑनलाइन है, नेटफ्लिक्स, जूम, एमेजॉन, तो ये सब क्या इंडिया की कंपनीज तो नहीं है? ये सब इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड है बट दे हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. दिस प्लेस ऑफ बिजनेस कुड बी डिजिटल और इट कुड बी फिजिकल ऑल्सो. सो वेन आई से यूट्यूब ऑल्सो, तो यूट्यूब भी है तो पूरा ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो, बट सिंस इट हैज इट्स बिजनेस इन इंडिया वेदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑल्सो, इट विल बी सेड इट्स अ फॉरेन कंपनी. तो वी विल सी कि फॉरेन कंपनी को इंडिया में आना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं. दूसरी देखते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी. कैन यू टेल मी जैगवार एंड लैंड रोवर, ये जो कंपनी है इसकी होल्डिंग पेरेंट कंपनी कौन है? टाटाज. तो टाटाज इज द होल्डिंग कंपनी वेयर टाटा होल्ड्स द मेजॉरिटी शेयर्स एंड दिस इज द सब्सिडरी कंपनी. तो होल्डिंग कंपनी होल्ड्स मेजॉरिटी शेयर्स इन अनदर कंपनी. सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी होल्ड्स मेजॉरिटी शेयर्स और कंट्रोल्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देखो, या तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करूँ, टाटाज कंट्रोल्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर, इट इज कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी. डू यू नो BMW, ये BMW का होल्डिंग कंपनी कौन है? Volkswagen. तो ये सब हो गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 87. इवन एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है कॉन्सेप्ट. स्टेप डाउन सब्सिडरी क्या होती है? द थर्ड वन,
सब्सिडरी की सब्सिडरी मेरी सब्सिडरी है, क्या ये? इफ ए इज द होल्डिंग ऑफ बी एंड बी इज द होल्डिंग ऑफ सी, कैन आई से ए इज द होल्डिंग ऑफ सी ऑल्सो? दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेप डाउन सब्सिडरी. सो अ कंपनी will be deemed to be the holding company if its subsidiary is controlling another subsidiary. Clear? So how do they give it? A company shall be deemed to be a subsidiary of the holding company then comes to associate company. Now associate company is given under section 2 subsection 6. Bahut hi simple hai. कैसे हम लोग बोलते, तुम लोग चाइल्ड है, चाइल्ड इज अ पर्सन अप टिल 14 इयर्स ऑफ एज. फिर हम लोग बोलते टीनेजर, टीनेजर विल ले यू कैन से इट इज फ्रॉम टिल अप टू 19. फिर उसके बाद में हम लोग क्या बोल सकते, आफ्टर टीनेजर बुड्ढे अडल्ट्स. क्लियर है ना? सो ये अलग अलग क्राइटेरिया है. ऐसे एक ही इंसान को अलग अलग एज में क्लासिफिकेशन देते हैं हम लोग, अलग अलग नाम देके. वैसे ही कंपनी को भी स्टेक के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है. मतलब अगर तुम्हारा एक कंपनी के अंदर 0 to 20% का स्टेक है, ये देखो यहाँ पे 20% का स्टेक है, तो वी विल गिव अ स्पेशल नेम called as a, so it is more than 20 but up to 50%, it will be called as associate company. अब 50 से ज्यादा हो गया, more than 50% majority stake, तो क्या हो जाएगा? वो holding and subsidiary. समझते हैं, अगर company A holds 51% shares in company B, can you tell me company A will be called as what company? Holding. Holding company, very good. But अगर मैं बोल रहा हूँ, नहीं 51% नहीं है, 31% है, तो इस रिश्ते को कुछ तो बोलना पड़ेगा. It is not a holding company, but कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो ये रिश्ता, you know, what will it be called? It will be called as a associate company. So associate company is a company which has more than 20% stake but up to 50%, because उसके beyond उसका नाम बदल जाता है. Associate के बदले में हम लोग holding subsidiary बुलाएंगे. So a associate company is a company in which there is a significant influence. Don't you think company A must be having a significant influence in company B? So it means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary of the company and includes a joint venture. Next, if we see a investment company, now investment company ka section is given under section 186. Now section 186 के अंदर वो लोग ने डिफाइन किया था, what do you mean by investment company? Investment company from its name itself, you can make out that it invest in other companies. इसका काम ही क्या होगा? अच्छी अच्छी companies ढूंढो और उसमें invest करो. So the richest investor in the world, Warren Buffett, उसकी company का नाम क्या है पता है? बर्कशायर हैथवे. बर्कशायर हैथवे इज अ इन्वेस्टमेंट कंपनी. वो करता क्या है इन्वेस्टमेंट कंपनी? इट इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज और जब उसके शेयर प्राइस जाएगा तो ये इसको फायदा हो जाएगा. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ दिस कंपनी? प्रिंसिपल बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनीज. क्लियर है ना? देन वी आर कमिंग टू प्रोड्यूसर कंपनीज. प्रोड्यूसर कंपनी
फ्रॉम द नेम इटसेल्फ क्या लगता है किस में रिलेट करता होगा, किससे डील करता होगा, कौन से सेक्टर से डील कर रहा होगा? प्रोड्यूसर कंपनी, एग्रीकल्चरल कंपनी. तो सब जगह देखोगे ना यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं इट डील्स विथ प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग एक्सेट्रा ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है. प्रोड्यूसर कंपनी इज अ कंपनी हु हैज़ द ऑब्जेक्ट्स एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 581B ऑफ कंपनी एक्ट 1956. What is a producer company? It is a company having the objects as specified under section 581 of Companies Act 1956. पुराने एक्ट में. तो पुराने एक्ट में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स दिए थे? अगर आप कुछ भी एग्रीकल्चरल प्राइमरी प्रोड्यूसर डील कर रहे हो तो आप प्रोड्यूसर कंपनी हो. जैसे हार्वेस्टिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, एडुकेटिंग फार्मर्स, पेस्टिसाइड्स, ड्रिलिंग, यू नो, कैनिंग, स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग, इंश्योरेंस फॉर प्राइमरी प्रोड्यूस. सब जगह कीवर्ड होगा प्राइमरी प्रोड्यूस. ओके, एवरीथिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग फॉर प्राइमरी प्रोड्यूस एक्सेट्रा, कंज्यूमर, ऑल दीज थिंग्स. ओके, देन कम्स निधि कंपनीज. निधि कंपनीज क्या होती है? इट इज अंडर सेक्शन 406. इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? कि लोगों में एक सेविंग का हैबिट बने, टू ब्रिंग इन अ थ्रिफ्ट ऑफ सेविंग अमॉन्ग इट्स मेंबर्स. तो समझते क्या होता है, किटी पार्टी सुनिए, किटी पार्टी. तो वो किटी पार्टी में करते क्या है, पार्टी का पैसा कैसे आता है? सब लेडीज लोग साथ में मिलते हैं, एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा इधर डालेंगे. ओके, और फिर बाद में एक बार वो किटी बन जाएगी, फिर उससे वो लोग पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं. अब वैसे ही निधि कंपनीज क्या करती है, आपस में सब तुम और मैं यहाँ पे एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट ये फंड के अंदर डाल देने का, निधि कंपनी के अंदर. और फिर बाद में कभी किसको ज़रूरत हो ना तो उसको फॉरवर्ड देते. कभी किसको ज़रूरत है, बोरोइंग है किसी को, ये क्या बैंकिंग सेक्टर के पास में जाओ तो वो लोग लूट लेते हैं. वो लोग बहुत ही यू कुड से दे आर फाइनेंशियल विजर्ड्स. तुमको वो लोग उल्लू ही बना देंगे. तो ऐसे केस में वो लोग से दूर हट के आपस में हम लोग म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक कंपनी बनाते हैं. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी. नॉट डिटेल्स आर नॉट गिवन योर, इट विल कम अहेड लेटर. फिर हम लोग ने किया था डॉर्मेंट कंपनी. इट्स गिवन अंडर सेक्शन 455. डॉर्मेंट कंपनी क्या होता है? बेसिकली अगर मैं एक कंपनी बना रहा हूँ फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, तो कंपनी इज मेड टूडे, कंपनी इज फॉर्म टूडे, बट द ऑपरेशंस विल स्टार्ट इन फ्यूचर. तो ड्यूरिंग दिस टाइम आई विल बी अ डॉर्मेंट कंपनी. कोई फंक्शनिंग होगा नहीं, खाली ऐसे ही पड़ी होगी कंपनी. ओके, बिकॉज समटाइम्स द नेचर ऑफ द बिजनेस इज सच दैट यू देर इट टेक्स टाइम, लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. तो ड्यूरिंग दिस टाइम ROC ऐसा ना बोल दे कि यार ये कंपनी फंक्शन क्यों नहीं कर रही है, खोखा कंपनी है क्या, इन्वेस्टिगेशन चालू ना कर दे. तो मैं खुद ही अप्लाई करता हूँ कि ड्यूरिंग दिस टाइम मैं थोड़े टाइम के लिए डॉर्मेंट रहने वाला हूँ, तो मुझे एक स्टेटस मिल जाएगा डॉर्मेंट कंपनी का. इसका अलग से भी चैप्टर है. द नेक्स्ट इफ यू आर सीइंग इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी. सो NBFC क्या होती है? फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, इसके ऊपर भी बहुत ही बड़ा चैप्टर है टाइप्स वाइज डिटेल में. तो ये सब हम लोग जो करें वो सुपरफिशियल लेवल पे देख रहे हैं. NBFC दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको, NB और FC. व्हेन आई से NBFC नॉन बैंकिंग, सो नॉन बैंकिंग मतलब क्या? इट इज नॉट अ बैंक, इट इज नॉट अ बैंक. सो इट डज नॉट हैव अ बैंकिंग लाइसेंस, सो इट्स अ नॉन बैंकिंग, बट इट विल स्टिल फाइनेंस. फाइनेंस का काम करती है, लोगों को पैसे डालते हैं, लोगों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों को लोन देते हैं. तो उसका अलग ही एंटिटी है जिसका नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी. तो काफ़ी बार सोचो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक NBFC बना दिया, NBFC बना दिया और क्या कर रहे हैं, बैंक कैसे लोन देता है,
अब लोन देंगे, सोचो 10 लाख का लोन दिया और यहाँ पे 18% का इंटरेस्ट लेंगे, तो डोंट यू थिंक ये बैंक के लिए ये एसेट हो गया, क्योंकि 18% इज़ द बैंक का प्रॉफिट, जो तुम्हारा एक्सपेंस है बैंक की कमाई होगी, तो बिजनेस कितना अच्छा है ज़मींदार और ऐसा बनने का, तो NBFC कर सकता है। सो दे आर नॉट अ बैंक बट इट्स अ फाइनेंस कंपनी, इट विल प्रोवाइड फाइनेंस टू वेरियस पीपल, अक्वायर योर शेयर्स, गिव यू मनी, लोन्स, इन्वेस्ट इन योर कंपनी एक्सेट्रा। द डिटेल्स ऑफ दिस वील सी लेटर ऑन। लिस्टेड कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी इन डेप्थ, मार्क करो इंपॉर्टेंट। नाउ दिस दो इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट आस्ड इन एग्जाम बिकॉज इट इज वेरी बेसिक एंड यू ऑब्वियसली शुड नो इट। सो फर्स्ट थिंग इज योर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स restricts the transfer on shares, limits its members to 200 and prohibits invitation to public. अब जब 200 member की भी बात कर रहा हूँ ना मैं, तो मुझे याद रखना है कि अगर joint members हैं, एक share पे दो जन का hold कर रहे, तो how many members should I count? One. One only. It will be treated as a single member. Next, while counting the persons who are in employment or who are formally in employment of the company shall not be included in the number of members to compute the 200. जैसे मैंने बोला था 200 की counting में पुराने या existing employees को count नहीं करना है, those who are in employment. Next देख रहे हैं characteristics of private company. Obviously ये 11वीं के बच्चों को सिखाते हैं, ये एग्जीक्यूटिव में पूछेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं है, दिस इज टू बेसिक फॉर अस। क्या रहता है? वेरी सिंपल, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स, पेड अप कैपिटल, प्रॉस्पेक्टस, जस्ट बेसिक। अब इसके अंदर एक नया पार्ट ऐड किया, इसको मार्क करो इम्पॉर्टेंट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब ये कभी ऐड किया है? 2019 के अंदर, पिछले साल ही ऐड किया है। कोई भी कंपनी हो, एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उनको, फिर बाद में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। दे हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन कि भाई हम लोग अभी बिजनेस कमेंस करने वाले हैं। लेट्स सी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 2019 एंड हैविंग शेयर कैपिटल कैन नॉट कमेंस एनी बिजनेस। दे कैन नॉट कमेंस बिजनेस अनलेस और डेक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय द डायरेक्टर्स विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी दैट एवरी सब्सक्राइबर हैज पेड अप द वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड द कंपनी हैज मेड द देन एंड द कंपनी हैज फाइल्ड विद द रजिस्टर अ वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। ये दो चीज। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ओके, सो वी सीइंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। नाउ वी हैड इनकॉर्पोरेटेड अ प्राइवेट कंपनी रिसेंटली ऑल्सो, सो आई विल शो यू ऑल द फॉर्म्स। उसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एंड एक्चुअली देर इज नो टैलेंट ऑफ द प्रोफेशनल्स, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंप्लीफाइड करेंटली। नाउ इट डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ कंपनी यू विल बी फॉर्मिंग, अ प्राइवेट, यू हैव टू चूज विच टाइप ऑफ कंपनी यू विल बी फॉर्मिंग, अ प्राइवेट, पब्लिक और OPC। अब जब भी फॉर्म करना है कंपनी तो उसके फॉर्म्स होते हैं, तो सबसे पहले एक नया फॉर्म बनाया है जिसके अंदर हम लोग ने फाइलिंग की थी, वो है स्पाइस फॉर्म 32+। ओके, इसका सिंपल सा नाम हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या है? इनकॉर्पोरेशन फॉर्म स्पाइस 32। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा नेक्स्ट एक रहेगा ई फॉर्म 33 एंड 34। इसके अंदर ई एम ओ ए और ई ए ओ ए आर्टिकल्स, और ऑब्वियसली तुम कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो तुमको एम ओ ए ए ओ ए भी अटैच करना पड़ेगा। आफ्टर दैट एक और स्पेशल फीचर दिया था, वेयर गवर्नमेंट वॉन्टेड टू इंटीग्रेट, दे वॉन्टेड टू इंटीग्रेट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का फंक्शन। पहले क्या होता था, मेरे को GST के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के पास में जाना पड़ता था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
मेरे को कंपनी फॉर्मेशन के लिए कौन सी मिनिस्ट्री के पास में आना पड़ता, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, और मेरे को अगर यू नो वेरियस प्रोविडेंट फंड के लिए ये सब करना है तो मेरे को जाना था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास में, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज को क्लब कर दिया है अभी और काम इजी कर दिया है, वेर वो लोग बोल रहे हैं आप एक और एक अजाइल फॉर्म बना दिया है, वील सी वॉट इज दिस। इसके साथ में ही अजाइल फॉर्म भी फाइल कर सकते हो, अजाइल प्रो, उसके अंदर तुम सब लाइसेंसेस ले सकते हो। मतलब कंपनी तो फॉर्म हो ही जाएगी, कंपनी फॉर्म हो गई, उसका तुम नेम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तुमको डिन नंबर भी मिल जाएगा, अप टू 3 डायरेक्टर्स अपना डिन निकाल सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर तुम रजिस्टर्ड ऑफिस तुम्हारी कहाँ पे है वो भी बता दोगे। फिर अजाइल फॉर्म के अंदर तुम अपना पैन नंबर भी निकाल सकते हो, तुम्हारा टैन भी हो जाएगा, टीडीएस, अलॉटमेंट नंबर, फिर तुम्हारा यू हैव योर प्रोविडेंट फंड बन सकता है, एंड ऑल दोज एम्प्लॉयमेंट थिंग्स ऑल्सो यू कैन डू, क्लियर। तुम्हारा जीएसटी नंबर भी इसमें ही निकाल सकते हो। सो इफ यू गो टू सी विद जस्ट वन लिटिल सिंपल फॉर्म, यू नो ऑल दीज फॉर्म्स दे हैव इंटीग्रेटेड एंड सिंप्लीफाई द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, क्लियर है ना। तो तुम्हारा डिन नंबर भी निकल गया, तुम्हारा सब नेम के लिए भी रहता है। अब नेम भी जो रहता है ना, तुम चाहो तो रिजर्व कर सकते हो अपना नाम, एमसी के पोर्टल पे जाने का और वहाँ पे रिजर्व यूनिक नेम करके एक लेगा, रन एप्लीकेशन, रन के अंदर तुमको पेमेंट करना है, तुम्हारा नाम तुम रिजर्व कर सकते हो। एक सोचो तुमको एक कंपनी का नाम बनाना है एबीसी लिमिटेड, तो तुमको पहले देखना पड़ेगा अवेलेबिलिटी। आजकल तुमने देखा है कि तुम अभी ईमेल आईडी भी लेते हो, अब तुमको सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे को zubair@gmail.com रखना है तो मिलेगा ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं रहता है। वो बोले कि नहीं zubair@gmail.com नहीं है, pramod@gmail.com है, चाहिए तो ले लो। तो वैसे ही आजकल कंपनीज के अंदर में भी वो नाम मिलना बहुत मुश्किल है, ज़्यादातर बोलते हैं अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज स्पाइस प्लस, फुल फॉर्म क्या है, पहले स्पाइस फॉर्म बोल रहे थे। तो इट इज़ अ सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। इसके अंदर अराउंड 10 सर्विसेज मिलते हैं एंड 3 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज मर्ज हो गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके। वो पार्ट ए में ऑफ द स्पाइस प्लस तुम अपना नेम रिजर्व कर सकते हो, और पार्ट बी के अंदर इनकॉर्पोरेशन ये सब कुछ निकाल पाओगे, डिन, पैन, टैन, जीएसटीआईएन नंबर, ईएसआईसी, इंश्योरेंस, ये सब लेबर लॉ रिलेटेड है, तुम्हारा बैंक अकाउंट ओपन करने का, तुम्हारा टैक्स रजिस्ट्रेशन, ऑल ऑफ दिस कैन बी डन। अब अजाइल प्रो भी क्या है, अजाइल प्रो के अंदर तुम्हारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो करना रहता है फाइलिंग वो इसके अंदर ही हो जाएगा, एंड यू कैन ऑल्सो मेक एप्लीकेशन फॉर जीएसटी नंबर यहाँ पे। तो पहले जो था INC 35 था यहाँ पे, कैसे INC 33, 34, और ये वाला अजाइल फॉर्म वॉज INC 35। तो ये तुम्हारे फॉर्म्स हैं जो तुमको इनकॉर्पोरेशन के लिए काम आते हैं, दैट इज इट। लेट्स सी स्पाइस फॉर्म, इफ यू रीड इट अप यू विल कम टू नो। पहले तुम्हें लॉग इन करना है वेबसाइट पे, रन एप्लीकेशन, अपना नाम करना है, तुमको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कौन सी टाइप की कंपनी तुमको फॉर्म करनी है, फिर तुमको चूज करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी MCA पे उसका फीस, नाम, नेम शैल बी रिजर्व फॉर 20 डेज, देन यू हैव टू गिव योर डिक्लेरेशन, देना पड़ेगा कि तुमने सब कुछ फॉलो किया है, डायरेक्टर्स को भी एक DIR 2 कंसेंट देना पड़ेगा दैट दे आर रेडी टू एक्ट एज डायरेक्टर्स। तो ये भी 2 फॉर्म्स हैं, DIR 2 में इफ आई एम अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर आई हैव टू गिव माई कंसेंट, ओके। सो दिस ऑल्सो यू कैन सी फॉर्म में क्या क्या मिलेगा, डिन मिलेगा, नेम रहता है, एंड सो ऑन। देन यू हैव टू प्रिपेयर योर MOA AOA, तो INC 33, 34, देन पैन एंड टैन का भी फिल कर सकते हो, तुम्हें अजाइल फॉर्म के अंदर तुमको GST फॉर्म भी निकाल सकते हो तुम, तो INC 32, 33, 34। कम एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, फिर तुमको सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए
180 डेज के अंदर एक डेक्लेरेशन देना पड़ेगा इन फॉर्म INC 20 है, इज योर फॉर्म फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. रीसेंट इनिशिएटिव फॉर्म स्पाइस प्लस बना दिया है, एवरीथिंग हैज बीन सबस्यूम जो स्पाइस प्लस एंड अजाइल के अंदर था, तो ये सब तुमको मिल सकता है. देन मूविंग फॉरवर्ड, पब्लिक कंपनी. सो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड इट हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल हैज बीन प्रिस्क्राइब, बट वो जो रिक्वायरमेंट है वो कैंसिल कर दिया है. तो एनी वन कैन मेक अ पब्लिक कंपनी, नो कैपिटल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, इनिशियल कैपिटल टू स्टार्ट द कंपनी. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक कंपनी, अगेन द हेडिंग, डायरेक्टर्स तुमको 3 रखने पड़ेंगे मिनिमम, लिमिटेड लायबिलिटी, नंबर ऑफ मेंबर्स, ट्रांसफरिटी, हेडिंग्स यू कैन डू. इनकॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक कंपनी, दे हैवन गिवन मच. देन कमिंग टू योर OPC, 1% कंपनी. नाउ 1% कंपनी, JJ Irani हु मेड दिस कंपनीज एक्ट 2013, ही सेड कि वी शुड हैव डिफरेंट क्लासेस. वन ऑफ दैट इज अ 1% कंपनी. 1% कंपनी इज नथिंग बट अ सोल प्रोप्राइटर विथ लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी. अब ये जो 1% कंपनी है, सिर्फ एक इंडियन ही फॉर्म कर सकता है. आउट नॉन रेसिडेंट कैन नॉट बी देयर. जो नॉमिनी भी बनाएगा, नॉमिनी को भी इंडियन होना जरूरी है. नॉमिनी क्या होगा, इनकेस इफ द मेंबर डाइज देन द नॉमिनी विल बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी. ओके, नाउ दिस OPC इज ऑलवेज देयर इन ऑल अदर कंट्रीज ऑल्सो. देन OPC का डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 विच हैज अ मिनिमम ऑफ 1 मेंबर. सो इट हैज टू बी एन इंडियन सिटीजन टू बी देयर. देन सोल प्रोप्राइटर एंड 1% कंपनी में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटर की और वो परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है. पोजिशन ऑफ 1% कंपनी इन इंडिया मार्केट इज इम्पॉर्टेंट, यू कैन रीड दिस एंटायरली. हैज टू बी अ नेचुरल पर्सन, सो ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन सेटअप अ OPC. सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. अ नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 OPC एट अ टाइम. नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ OPC. शैल नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इन टू सेक्शन 8 कंपनीज. देन प्रिविलेजेस, यू कैन सी ऑब्वियसली मीटिंग्स का प्रोविजन नहीं अप्लाई होगा इनके ऊपर बिकॉज वो अकेला बंदा है. बेनिफिट्स रीड इट. सो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन रीड इट ऑफ द OPC. निधि कंपनीज विल बी सीइंग टुवर्ड्स द एंड. नाउ आफ्टर दैट देर इज अ प्रोड्यूसर कंपनी एज वी सीन. प्रोड्यूसर कंपनी का डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2. अब इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. सेक्शन 465 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन्स व्हाट इज अ प्रोड्यूसर कंपनी. इट सेज प्रोड्यूसर कंपनी इज एज इट इज गिवन अंडर कंपनी एक्ट 1956. तो 1956 के अंदर वो लोग बोल रहे हैं कि सेक्शन 581 ए में दिया है ऑफ कंपनीज एक्ट 1956. इट सेज दैट जो भी सेक्शन 581 बी में जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जो भी कंपनी के पास में वो ऑब्जेक्ट्स है, इट इज अ प्रोड्यूसर कंपनी. सो ऑब्जेक्ट्स दिए 581 बी के अंदर एज वी सीन ऑल रिलेटेड टू प्राइमरी प्रोड्यूस. फॉरेन कंपनी भी देखा था. फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एंड हैज अ प्रेजेंस इन इंडिया. सेक्शन 397 to 393 ऑफ कंपनी एक्ट डील विद दैट. ये फॉरेन कंपनी को बताना पड़ेगा कि इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा है. विद इन 30 डेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इट हैज टू फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ दैट स्टेट एंड विद दिल्ली. अगर ये फॉरेन कंपनी का मेजॉरिटी शेयर्स आर हेल्ड बाय अ इंडियन, देन दैट कंपनी विल बी कॉल्ड एज अ डीम्ड इंडियन कंपनी एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी विल अप्लाई.
It has to maintain the books of accounts. If it ceases to carry on business, it will have to intimate. Agar more than 50% is held by citizen of India, shall company shall be considered as a Indian company only. And all the provisions applicable to Indian company will apply. Branch offices. Now, branch office jo rehta hai, if you see HSBC bank, it has a presence throughout the world. So obviously इनके branches are spread out throughout the world. तो अगर कोई foreign company India में आ रही है तो उसके ऊपर FEMA law apply होगा, Foreign Exchange Management Act. Okay, FEMA Act, this entire thing will be there in your EBCL part A also. तो foreign company का definition दिया, which has a place of business in India. उसका जो circular दिया हुआ है, that is a master direction, this is entirely covered in that. Your अगर मुझे सोचो HSBC बैंक को इंडिया में ब्रांच बनाना है तो उन्हें पहले FNC फॉर्म फिल करना पड़ेगा, RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इफ़ द बिजनेस इज इन ऑटोमेटिक सेक्टर या अप्रूवल सेक्टर. अगर 100% ऑटोमेटिक रूट में है तो वो लोग डायरेक्टली आ सकते हैं विदाउट RBI अप्रूवल. और अगर ऐसे सेक्टर में दिया है तो उसके अंदर RBI का अप्रूवल के बाद ही आ सकते हैं. सो वी विल बी सीइंग दिस. दे आर सेइंग दैट यू हैव दैट एनी ब्रांच विच इज बीइंग सेट अप हियर, इट हैज टू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट 5 years, शुड हैव द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ $1,00,000, दे हैव टू मेक एन एप्लीकेशन, एंड इन सर्टेन केसेज दे आर सेइंग कि RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा. इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, हांगकॉन्ग, तो कहाँ पे भी जब हमारे डिप्लोमेटिक कंडीशन अच्छे नहीं है तो हम लोग बोल रहे हैं अगर आप यहाँ पे सेट करने हो, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम दैट कंट्री यू नीड अप्रूवल ऑफ RBI. अब जब तुम यहाँ पे सेटअप करोगे, तुम बैंक अकाउंट्स ओपन करोगे तो तुमको एक AD बैंक के साथ में, ऑथराइज डीलर्स कैटेगरी 1 बैंक के साथ में तुमको तुम्हारी चेकिंग करेंगे कि कौन है ये बंदा जो फॉरेन से आ रहा है. उसके ऊपर नो योर कस्टमर होगा, बिकॉज एनी बैंक विल मेक, they will have to make bank accounts here. When they make bank accounts here, the Indian banks will have to do a KYC. सबके ऊपर ही करते हैं, जब foreign से आते हैं तो और ज़्यादा KYC and due diligence करना पड़ता है. एक बार कर लेंगे then they will issue a कैसे unique identification number, कि ये transaction या ये आपको एक number मिलेगा जिससे हम लोग बोलेंगे हम लोग ने आपको पूरा check कर लिया है. और आपको हमेशा आपके office के बाहर you will have to, on a conspicuous part, you will have to display that you are the country of origin, so that people come to know that they are dealing with which kind of company, and the chapter gets over. This Nidhi companies also will be covered later on in great detail. So that is it for this chapter, we are done. So Nidhi companies, the concept is pretty simple. What happens is, it's also called as a mutual benefit company. उसमें क्या होता है कि लोग get together and they pool in the funds, they make deposits inside, ठीक है, FD करते हैं. सोचो हम लोग सब मिलके साथ में पैसा pool करते हैं, यहाँ पे pool किया, ठीक है, एक बार pool किया, फिर हम लोग में से किसी को भी ज़रूरत रही तो यही NBFC loan जैसा extend कर देगा. They will give a loan to one of its members only. अब ये loan भी कब देंगे, imagine ये member लेके भाग गया तो ये member, जब member को loan देंगे, obviously the member has to give some kind of a security. Security कैसे हो सकती है, normally movable property, immovable property, गिरवी रख के loan ले लो. Now tell me one thing, ये concept में क्या बाहर वाला आके loan ले पाएगा NBFC से, कि NBFC सिर्फ उसके members को ही loan देंगे? कॉन्ट्रीब्यूट किसने किया, मेंबर्स ने, तो लोन भी किसको मिलेगा, सिर्फ मेंबर्स को मिलेगा. सर मैं, सो व्हाई वुड अ पर्सन मेक अ म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी लाइक दिस. नाउ दे से यू आर ट्राइंग टू सेव मनी फॉर अ रेनी डे. अभी हम लोग पैसा डाल के रखते हैं, कल उठ के हम लोग को कभी ज़रूरत रही तो नॉर्मल बैंक तो कभी हम लोग को लोन देगी नहीं, कम से कम ये NBFC हमारी वाली ही हमको दे देगी. तो इट्स अ सेल्फ सर्विंग बैंक. नाउ ओनली थिंग इज, दिस NBFC इज गोइंग टू फाइनेंस द मेंबर्स, सो इट डजंट हैव अ बैंकिंग लाइसेंस, सो इट इज नथिंग बट अ नॉन बैंकिंग कंपनी. इट्स नॉट अ बैंक, इट्स अ
non-banking, but it will provide finance to its members. So it's a non-banking finance company. Now, why would you do this? As I told you, you're trying to save in for a rainy day. कल उठ के कुछ problem हो गया तो पैसे जरूरत होगी तो ये अपनी ही NBFC के पास से जा सकते हैं. तो it creates a thrift of saving among its members. तो उसके ही members को saving करते हैं क्योंकि वो लोग अपना save करके NBFC में डालेंगे और कभी जरूरत रही तो NBFC हम लोग को loan extend कर देगी. So let's see. And then they give you the basic provisions about NBFC, that NBFC is formed under section 406 of Companies Act. It is formed as a public company. It should have minimum 200 members within 1 year of its incorporation. Then they'll give you details about its directors and so on. So let's see. Yeah, anyone has a question? Yes, sir. I did. Sir, I just wanted to how is it the large scale of cooperative societies? How the cooperative societies? Yeah, so now obviously cooperative societies are registered with the Cooperative Societies Act. Okay, now they also have basically they don't necessarily provide loans. Like for example, we must be staying in a cooperative society. We all pool in the money. And then whenever we need money, like common welfare, like maybe repairing of the building, you have your watchman, your common services, paying for the lifts, all of that. So that's a cooperative society that has a different framework. But yes, basically it is the same concept. Now, Nidhi companies are specifically registered as a Nidhi company under section 406 of Companies Act, whereas a cooperative society is not registered under Companies Act. Clear it now? Here the members make the deposits and then they get loans against any kind of jewelry, movable, immovable property that they keep as security. What is the purpose or objective of this? Is to create a thrift of saving among its members. So members would actually have their savings recorded, like we have EMI or we have this SIP. It's continuously done into this NBFC, and whenever we need money in future, we'll get it. Understood the concept? Can the Nidhi company serve a non-member? Can they help a non-member? Answer is no. So a principle of mutual benefit is made to pool in the savings and to lend to only the members. Now, the origin of the concept, they have said in 2005, an expert committee was made under J.J. Irani, who said that we should have a specific type of company in the Companies Act, that is Nidhi companies, and then we bought into the introduction of section 406 of the Companies Act. Let's see, what is the definition given? A company formed under the Companies Act to create a thrift of saving among its members, to create a habit of saving among its members and members only, is called as a Nidhi companies. Now if we see the provisions, ek declaration ek 2019 ke andar ek amendment aaya tha, uske andar wo log ne ek form bola tha file karne ke liye, that is NDH4. Now NDH4 kya hota hai? 2019 mein aaya, to 2019 ke pehle bhi NBFCs honge. तो वो सारी NBFCs जो 2019 अमेंडमेंट के पहले आए थे, वो लोग सबको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा NDH4 के अंदर कि हम लोग एक NBFC है और हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, और सारे डिक्लेरेशन में जो भी फॉर्म में रहेंगे. नॉट ओनली दैट, अभी कोई भी न्यू कंपनी भी फॉर्म हो रही है तो उनको भी ये NDH4 फाइल करना है विद इन 60 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. तो पुरानी तो बात ठीक है, चलो 2019 कब का खत्म हो गया, वो उसकी पुरानी बात. बट अभी NDH4 क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि एवरी NBFC विच इज इनकॉर्पोरेटेड टूडे विद इन 60 days हैज टू फाइल NDH4 विद द कंपनीज एक्ट. क्लियर? जब तक कि वो ये फाइल नहीं करेंगे, वो ना तो उनका शेयर कैपिटल ऑल्टर कर सकते हैं, ना वो लोग अलॉटमेंट PAS3 उनको अलाउ करेगा फाइलिंग करने के लिए. सो वी हैव सीन SH7 इज फॉर alteration of share capital and PAS3 is for return of allotment. We go further. Now incorporation of Nidhi companies. Incorporate karna hai to sabse pehle ek public company banani padegi. So a Nidhi company can only be a public company. Uske paas mein minimum paid up capital diya hua hai 5 lakh rupees hone chahiye. Nidhi company cannot issue preference shares. The object of
Nidhi company should be to create a cultivator thrift of savings and no other thing. And Nidhi company ke end mein aayega Nidhi Limited. Clear? So, next requirement of minimum number of members and net owned funds. तो उनके पास कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए? तो बोल रहे कम से कम 200 मेंबर होने चाहिए उनके पास में. उनके पास में कितना ओन फंड्स होना चाहिए? कम से कम 10 लाख रुपए हो जाने चाहिए. वो लोग को एटलीस्ट अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स ऑफ 10% शुड बी देयर. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट शुड बी देयर. मीन्स व्हाट? टेल मी वन थिंग, अगर आज हम लोग ने एक निधि कंपनी बनाई, लोगों के पास से पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स. तो ये हमारे पास में डिपॉजिट्स आ गए. सोचो डिपॉजिट्स आ गए 10 करोड़ के डिपॉजिट्स आए, तो ये डिपॉजिट्स अब हम क्या करेंगे? अभी इमिजिएटली तो सबको लोन की जरूरत नहीं होगी, तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग कोई भी शेड्यूल्ड बैंक में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करके रख देते हैं. तो लोगों के सेविंग्स भी हम लोग ऐसी सेफ जगह पे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसको बोलेंगे अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स. अनएनकम्बर्ड मीन्स व्हाट? इसके ऊपर कोई भी एनकम्ब्रेंस नहीं है. जब चाहो तुम विड्रॉ कर सकते हो. शैल नॉट लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शुड बी केप्ट इन दिस अनएनकम्बर्ड प्लेस. मतलब क्या? वो आगे आएगा जैसे तुम कोई शेड्यूल्ड बैंक में रख देने का. फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 करोड़ टोटल फंड्स है तो इसका 10% कितना होगा? 1 करोड़. ये 1 करोड़ तो को तुमको एक शेड्यूल्ड बैंक के अंदर डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कल उठ के अगर कोई विड्रॉवल आया, कोई लोन मांगा, तो हमारे पास में लिक्विड फंड्स देने के लिए होने चाहिए. द रेशियो ऑफ द नेट ओन फंड्स टू द डिपॉजिट of not more than 1:20. Then coming to return filing. अब obviously निधि company है तो उनको return filing करनी पड़ेगी. It is regulated by not only Ministry of Corporate Affairs but also RBI. Because in all NBFCs are regulated by RBI. अब return of allotment. Within 90 days from the close of the financial year, it shall file NDH-1. तो रिटर्न और द डिटेल्स दैट दे हैव कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ लॉ हैज टू बी गिवन इन NDH-1. सो एंड दिस हैज टू बी सर्टिफाइड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CWA, दैट द NBFC हैज फॉलो द लॉ. तो कौन सा है? NDH-1. इट्स अ रिटर्न ऑफ कंप्लायंसेस. इट्स एंड साइंड बाय अ प्रोफेशनल की कंपनी ने सब फाइलिंग्स की है. जनरल रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन, इसको भी मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट. अ निधि कंपनी शैल नॉट एंटर इन टू एनी अदर बिजनेस अदर देन निधि का, द थ्रिफ्ट ऑफ सेविंग्स. चिट फंड बिजनेस नहीं कर सकते, लीजिंग ये सब कुछ नहीं कर सकते. दे कांट इशू प्रेफरेंस शेयर्स, दे कांट ओपन करेंट अकाउंट. वो लोग डिपॉजिट्स ले सकते हैं FD के नाम पे, करेंट अकाउंट नहीं ले सकते कि कभी भी कोई एंट्री आके निकाल के जा सकता है. दे कैनॉट अक्वायर अनदर कंपनी by purchase of securities unless it is approved by special resolution of the shareholders. They cannot accept deposits from any other person other than its members. So jo membership form file karega uske paas se hi un log deposits le sakte hai aur usko hi wo log further loan de sakte hai. They cannot pledge any assets lodged by its member. Agar kisi ne aake socho loan lena tha koi member ko, zarurat ho gayi to usne koi jewelry la ke diya, तो ज्वेलरी के अगेंस्ट हम लोग ने लोन दिया, तो क्या वो ज्वेलरी को मैं फर्दर गिरवी रख सकता हूँ? वो NBFC बोलती है हमारे पास में 3 साल तक ये गोल्ड है, तो उसको कोई भी पर्सनल ऐसे एसेट्स फर्दर गिरवी नहीं रख सकती है बैंक, दिस NBFC. इट कैनॉट टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम एनी अदर बॉडी कॉपरेट. द जो भी मेंबर्स होंगे नेचुरल पर्सन होंगे, बॉडी कॉपरेट्स नहीं हो सकते. दे कैनॉट एंटर इन टू एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप एंड दे कैनॉट इशू एनी काइंड ऑफ advertisements for soliciting deposits. So कोई भी ऐसा broadcast नहीं कर सकते on media or something that हम लोग को आके deposits हो. And they cannot pay any brokerage for mobilizing deposits from members or deployments of funds or granting loans. मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि यार मेरे को थोड़ा, basically they're talking of commission or they're calling of bribing. सोचो मैं यहाँ पे कमेटी में बैठा हूँ, लोन देना है किसी को,
तो कोई आके बोल रहा है मेरे को लोन दे दो, मैं थोड़ा आपको पैसा दे देता हूँ यहाँ से, कमीशन दे दूंगा उसमें से. सो दिस काइंड ऑफ ब्रोकरेज और इंसेंटिव शुड नॉट बी गिवन फॉर मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स और फॉर ग्रांटिंग लोन्स फ्रॉम एनी पर्सन. सो इट इज अनएथिकल एंड इमोरल. नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट. बेसिकली कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए, हम लोग ने देखा था. और द नॉमिनल वैल्यू, दैट इज द फेस वैल्यू, कितना होना चाहिए? ऑफ एटलीस्ट 10 रुपीज. नो सर्विस चार्ज शुड बी लेविड फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स. तो शेयर्स इश्यू करे तो अलग से कोई चार्जेस नहीं लेना चाहिए. एवरी निधि कंपनी शैल अलॉट टू ईच डिपॉजिटर एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 10 इक्विटी शेयर्स और इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज. ठीक है, कम से कम 10 इक्विटी शेयर्स और 100 रुपीज का देना ही पड़ेगा, क्योंकि फेस वैल्यू भी 10 है और 10 इक्विटी शेयर्स, तो मतलब कम से कम 100 रुपये जितना तो अलॉट करना ही चाहिए उसको शेयर्स. मेंबरशिप. नाउ मेंबरशिप आई टोल्ड यू कौन बन सकता है, सिर्फ एक नेचुरल पर्सन. अ बॉडी कॉपरेट कैन नॉट बी अलाउड टू बी अ मेंबर. मेंबर हमेशा कितना होना चाहिए? 200 एवरी टाइम होना चाहिए. अ माइनर शैल नॉट बी एडमिटेड एज अ मेंबर एक्सेप्ट थ्रू अ गार्डियन हु इज अ मेंबर ऑफ द निधि कंपनी. नेक्स्ट इज ब्रांचेज ऑफ निधि कंपनी. अब निधि कंपनी के बोलो क्या बोल रहे हैं, एक निधि कंपनी है, वो पैसे ही लोग डालेंगे और वो लोग ही आपस में एक दूसरे को लोन देंगे. तो ब्रांचेज ऑफ निधि कंपनी, दे मे ओपन ब्रांचेज इफ दे आर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स. दे हैव अ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, देन ओनली दे कैन ओपन ब्रांचेज. नहीं तो एक ही ब्रांच में काम करने का. एंड दिस निधि कंपनी मे ओपन अप टू 3 ब्रांचेज विद इन द डिस्ट्रिक्ट. इफ अ निधि कंपनी ओपन्स मोर देन 3 ब्रांचेज विद इन द डिस्ट्रिक्ट, देन दे नीड टू अप्रूव, गेट अ अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर. निधि कंपनी शैल नॉट ओपन ब्रांचेज आउटसाइड द स्टेट. ओके, अ निधि कंपनी शैल नॉट क्लोज एनी ब्रांच अनलेस दे मेक अ पब्लिक एडवर्टीजमेंट, फिक्स दैट एडवर्टीजमेंट ऑन देयर नोटिस बोर्ड एंड गिव्स इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज कि वो लोग अभी वो ब्रांच बंद करना चाहते हैं. वो रिमेंबर ऐसा देयर वॉज दिस कंपनी जिसके अंदर वो लोग बोल रहे थे कि अनुराधा चिट फंड, सडनली दे वॉन्ट टू क्लोज द ब्रांच. तो ऐसा सब नहीं कर सकते, पैसे लिए एंड देन यू वॉन्ट टू शट डाउन. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. अब क्या रहता है वो डिपॉजिट्स का, वो लोग ने टाइमलाइन भी दिया है, टेन्योर, कितने टाइम का डिपॉजिट्स रहेगा. सो इट शैल बी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंड अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ्स. तो ये 6 to 60 मंथ्स तक उनका डिपॉजिट्स होगा. रिकरिंग डिपॉजिट्स, मतलब तुमने डिपॉजिट किया, वापस इन्वेस्ट हो जाएगा बिकॉज ये टेन्योर खत्म हो गया, फिर री इन्वेस्ट हो जाएगा. फॉर अ मिनिमम ऑफ 12 मंथ्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 60 मंथ्स. तो ये 12 to 60 मंथ्स का है. वॉट इज अ रिकरिंग डिपॉजिट्स? रिकरिंग डिपॉजिट मतलब क्या, तुमने रिकरिंग FD सुनी है. FD अगर मैं 3 साल का करता हूँ, ठीक है, तो 3 साल के बाद में मैच्योर हो गया और मेरे को आके लेके जाना है. बट मैं बोल सकता हूँ यार 3 साल के बाद में अपने आप कंटिन्यू कर लेना अनदर 3 ईयर्स के लिए. तो इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स. तो रिकरिंग भी बना सकते हो तुम, उसका टेन्योर वो लोग ने दिया है कितने टाइम के लिए होगा. द मैक्सिमम बैलेंस इन द सेविंग अकाउंट एट एनी टाइम क्वालिफाइंग फॉर इंटरेस्ट शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स. अब क्या था अनएनकम्बर्ड, मतलब इसको आराम से लिक्विड है, कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं मैं. एनकम्बर्ड क्या हो गया, सोचो मैंने गिरवी रखे हैं 3 साल के लिए, तो क्या मैं उस शेयर्स को निकाल पाऊंगा? नहीं. अगर मैंने कोई गोल्ड लेके गिरवी रखा है उसको, तो क्या मैं उसको फ्रीली यूज कर सकता हूँ? नहीं. तो ये एनकम्बर्ड सिक्योरिटीज हो गई. अनएनकम्बर्ड भी होना चाहिए निधि कंपनी इसके पास, क्योंकि कल उठ के कोई लोन मांगने आया, कुछ मांगने आया, तो हम लोग के पास देने के लिए पैसे होने चाहिए. सो एवरी निधि कंपनी शैल इन्वेस्ट एंड कंटिन्यू कीप इन्वेस्टिंग इन अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स विथ एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक an amount which shall not be less than 10% of the deposits outstanding. अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस हो गया या कुछ ऐसा हो गया, अब मेरे पास में 10% पड़ा हुआ है शेड्यूल बैंक के अंदर. अब मेरे को ज़रूरत है तो क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूँ वो 10% में से? आंसर इज येस. इन केस ऑफ अनफोर्सीन कमिटमेंट्स टेम्प्रेरी विड्रॉवल्स मे बी
allowed, permitted, but with the approval of the regional director. Then we are seeing loans to buy nidhi companies. Nidhi company loan denge, to loan ka bhi wo log ne likh diya ke maximum kitna de sakte ho tum ek member ko. To loans given by a nidhi company to a member. So 2 lakh rupees, agar nidhi company ka total amount of deposits unke paas mein is less than 2 crore rupees, तो वो लोग 2 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं. बट अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा बट लेस देन 20 करोड़ है, तो वो लोग लोन कितने के दे सकते हैं कोई भी एक मेंबर को? 7,50,000. अगर 20 करोड़ के ऊपर बट लेस देन 50 करोड़, तो देन दे कैन गिव अ लोन ऑफ 12 लाख रुपीज़. और अगर टोटल निधि कंपनी के पास में डिपॉजिट्स है 50 करोड़ के ऊपर, तो वो लोग पर पर्सन मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हैं? 15 लाख रुपए. तो ऑब्वियसली तुम देखोगे एक मेंबर को कितना लोन मिल सकता है उसके ऊपर कैप कर दिया है ऑन बेसिस ऑफ हाउ मच फंड्स द निधि कंपनी हैज. अब जब लोन भी देंगे वो लोग, तो ऑब्वियसली सामने सामने सिक्योरिटी लेनी चाहिए. अगर मैं लोन दे रहा हूँ कोई भी मेंबर को, तो सामने सिक्योरिटी होनी चाहिए. गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी ले सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हैं. उस बंदे के पास में कोई FD की रिसीट होगी उसको ले सकते हैं, कोई सेविंग, उसके कहीं और इन्वेस्टमेंट्स होंगे तो उसको गिरवी हम लोग ले सकते हैं. वी कैन कीप इट एज सिक्योरिटी. इंटरेस्ट रेट भी क्या बोल रहे हैं वो लोग? द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स गिवन बाय निधि कंपनीज. अगर एक निधि कंपनी लोन दे रही है, तो सोचो तुमको लोन दे रही है, तो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा. तो इंटरेस्ट रेट कितना है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन एनी लोन गिवन बाय द निधि कंपनीज shall not exceed 7.5% above the highest rate of interest offered by nidhi companies and shall be calculated on reducing balance. So it is 7.5% above the highest rate of interest offered on deposits by the nidhi companies. To socho deposits liye members ke paas hai, और मेंबर्स के पास से हम लोग 5% का इंटरेस्ट दे रहे हैं उनको. FD कैसे रहते हैं, तो तुम लोग ने FD की है तो 5% में FD पे दे रहा हूँ. अब जब मैं लोन दूंगा तो मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ? 5+7.5% का लोन पे देने का. सो दिस इज हाउ बैंक्स फंक्शन. तो कितना हो जाएगा ये? 12.5%. समझ में आया? तो अगर डिपॉजिट्स, बैंक भी क्या करती है, डिपॉजिट्स लेती है, उस पर FD देते, उस पर इंटरेस्ट देते हैं, और वही पैसे फिर वो लोग लोन देते, तो लोन ऑब्वियसली विल बी गिवन एट द हायर इंटरेस्ट रेट. तो हायर कितना हो सकता है? मैक्सिमम 7.5% फ्रॉम व्हाट यू गिव ऑन द डिपॉजिट्स. डायरेक्टर्स ऑफ द निधि कंपनीज, ओनली द डायरेक्टर शैल बी अ मेंबर ऑफ निधि कंपनीज. ही शैल होल्ड द टर्म अप टू 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स. He shall be eligible for reappointment. The directors के पास में DIN होना चाहिए. And he shall not be eligible to be appointed as a director if he is of unsound mind, undischarged, insolvent, application is pending, he has been convicted for moral turpitude, he has been disqualified by any tribunal, he has not paid the call money, or he has been convicted of any of the offences. No person or has been a director of a nidhi company which has not fulfilled the financial statements for 3 years, or which has not failed to pay, defaulted in the deposits for a period of 1 year or more. ये देखोगे ये काफी similar है from section 164 subsection 1 and 2, that is disqualification of directors. ठीक है, same points है. अब dividend रहता है. निधि company dividend भी दे सकती है, but it shall never exceed beyond 25%. अब ये कंडीशंस भी है, तो निधि कंपनी 10% का डिविडेंड दे सकती है, 15% का दे सकती है, मैक्सिमम 25% का डिविडेंड दे सकती है. ना उसके कंडीशंस है कि वो जनरल रिजर्व में से देना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. अब अपने ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर्स भी तुम देखोगे काफ़ी सिमिलर टू कंपनी लॉ. इंडिविजुअल ऑडिटर मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए होल्ड कर सकता है, उसके बाद में रोटेट करना पड़ेगा. और अगर ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर रहे हो तो 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के लिए अपॉइंट हो रहा है. देन दे हैव अ कूलिंग पीरियड. नाउ ऑडिटर विल गिव ए सर्टिफिकेट. नाउ दिस हाफ ईयरली सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा दैट दे आर कंप्लाइंग
with all the provision that is in NDH-3 half yearly certificate. So yearly certificate जो था वो कौन से form में था? NDH-1. Now this is general power that the registrar can any time ask for inquiry and returns and information as he feels, and he can even appoint a special officer if he feels that any company has violated any of the laws.